Hey everyone, welcome to Show MZIS. I am Shivangi Sharma and today's video is about chapter 9th of class 6th history, which is the new empire and kingdom. Okay? इस चैप्टर में हम और कुछ नए एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं अरविंद के बारे में। सो अरविंद एक प्ले कर रहा है जिसमें वो किंग बना हुआ है, ठीक है। तो जब अरविंद को पता चलता है कि वो अपने स्कूल प्ले में एक एक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है एज अ किंग, तो उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा होगा, मतलब एक सोलोमन तरीके से मार्च करेगा, अपनी अपनी मूछों को ताव देगा, एक सिल्वर पेपर होगा जिसमें मतलब स्वॉर्ड होगा उसका। बट सोचो कितना सरप्राइज उसे फील होगा जब उसे ये पता चलता है कि उसे बैठकर वीणा बजानी है और एक पोइम रिसाइट करनी है। तो ये म्यूजिशियन किंग कौन है, ये सोचता है अरविंद, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। सो अरविंद समुद्रगुप्त, जो राजा समुद्रगुप्त थे, उनका एक्ट करने के लिए सपोज किया गया है क्योंकि वो काफ़ी फेमस रूलर थे गुप्तास डायनेस्टी के, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमारे पास एक बहुत ही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो अशोकन पिलर है उस पर इंस्क्राइब किया गया है। द अशोकन पिलर इज एट अलाहाबाद, ठीक है। उसके अलावा ये इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य, ठीक है, एज अ काव्य इसको कम्पोज किया था हरी सेना ने, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट का काफ़ी फेमस पोइट और मिनिस्टर भी था, ठीक है। सो उसके अलावा जो ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जब ये सारे इंस्क्रिप्शन है, जब भी एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन होता है उसको बोला जाता है प्रशस्ति। तो फिर इसका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, ठीक है। जो प्रशस्ति है वो काफ़ी मतलब काफ़ी सारे रूलर्स के लिए कंपोज किए गए थे जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, जिसमें से एक थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि मतलब वो गुप्तास के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। ही वॉज फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास। समुद्र गुप्तास की प्रशस्ति हम यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र गुप्ता की जो प्रशस्ति है उनको कुछ ग्लोइंग टर्म से प्रेस किया है जो पोइट है उन्होंने, जैसे एक वॉरियर, एक किंग जिन्होंने इतनी सारी बैटल्स जीती और उन्होंने पोइट्स बेस्ट पोइट से पढ़ा और बेस्ट पोइट्री भी करते हैं, ठीक है, और उनको गॉड, उनको भगवान के भी इक्वल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो प्रशस्ति है वो बेसिकली कुछ बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस में होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, समुद्रगुप्त दो वॉरियर, देखो ये बोलता है जिनकी बॉडी बहुत चार्मिंग है, जो कि जिनकी बॉडी खूबसूरत है बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी बहुत सारे स्कार से कवर्ड है, बहुत सारे स्कार्स जो उनको बैटल्स में स्कार्स हो जाते हैं ना, चोट वगैरह लग जाती है, डैट इज बैटल एक्सेस, एरोस, स्पाइक्स, स्पेयर्स, बार्ब डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्यूब, जेवलिन्स, बार्ब्ड एरोस, लॉन्ग एरोस एंड मैनी अदर वेपन्स। तो इन सारे वेपन्स की वजह से उनकी बॉडी में जो स्कार्स हैं इनकी, वो उनकी बॉडी को और ब्यूटी देता है और देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ प्लेंटियस ब्यूटी, ठीक है। अब हम देखें यहाँ मैप में, सो यहाँ पे एक मैप है दिस, ठीक है। सो अगर हम मैप 7 की बात करें तो मैप 7 में कुछ ग्रीन एरिया शेडेड है, कुछ रेड डॉट्स है हर कोस्ट पे और कुछ ब्लू है, कुछ पर्पल है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। जो मैप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रशस्ति में। देखो हरीश देना, उन्होंने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसीज थी उनके टूवर्ड। सबसे पहले रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता, जो कि ग्रीन में शेड किया गया है मैप में, ठीक है। तो आर्यवर्ता के 9 रूलर्स थे जो अपरूटेड थे और उन किंगडम को समुद्रगुप्त का एम्पायर का पार्ट बना दिया गया था। सेकंड वॉज द दक्षिणा पथ, इसके 12 रूलर्स थे जो कि मैप में रेड डॉट से शो किया गया है। उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना राज्य सरेंडर कर दिया था
क्योंकि वो समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया था, बट बाद में समुद्रगुप्त ने उनको फिर से रूल करने के लिए इजाज़त दे दी थी। फिर जो इनर सर्कल है नेबरिंग स्टेट्स का, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ गणा संघास आते हैं, हमने चैप्टर 5 में गणा संघास डिस्कस किए थे। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो कि पर्पल एज अ पर्पल मैप में शो किया गया है, ये ट्रिब्यूट और मतलब ये ना ट्रिब्यूट्स करते थे, वो जो भी ऑर्डर्स वो देते थे उनको फॉलो करते थे और उनके कोर्ट को भी अटेंड किया करते थे। उसके अलावा जो आउटलाइंग एरियाज है जो ब्लू से मैप किया, जो ब्लू से मार्क किया गया है, उसमें है कुछ डिसेंडेंट्स कुशनाज और शाकास के, और श्रीलंका के कुछ रूलर्स, ठीक है, जिन्होंने उनको सबमिटेड किया था और अपनी बेटी क्यों की शादी के लिए ऑफर किया था। ठीक है, यहाँ पे देख लो फिर, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जेनोलॉजीज के बारे में। जो भी प्रशस्तीज हैं वो रूलर्स के एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों को भी मेंशन करती है, वैसे ही समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर और उनकी मदर, ठीक है, उनकी मदर थी कुमारा देवी, जो कि लिच्छा छवि गाना को बिलोंग करती थी, और उसके फादर थे चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, मतलब वो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे जिनको महाराजा धीराजा के टाइटल से, मतलब जिनको महाराजा धीराजा का टाइटल मिला था। उसके बाद समुद्रगुप्त के लिए भी सेम टाइटल मिला, ठीक है, उसके बाद जो उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनको सिंपली महाराजा ही मेंशन किया गया था, ठीक है, तो ग्रेजुअली उनकी जो उनकी फैमिली में इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। ठीक है, सबसे पहले राजा का टाइटल मिलता है, उसके बाद इट्स कम टू वर्ड महाराजा, और फिर महाराजा धीराजा। ओके, जो समुद्रगुप्त है उनकी भी मतलब उनकी जो एंसेस्टर्स की लिस्ट में, उसमें बाद में जो उनके लेटर रूलर्स हैं उसमें आते हैं उनके बेटे विच इज चंद्रगुप्ता टू, ठीक है, उनको भी फेमस इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया को उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया था। उसके अलावा उन पे मतलब उन्होंने ही लास्ट वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास, ठीक है, लेटर बिलिंग के अकॉर्डिंग उनका जो कोर्ट था उसमें बहुत सारे लर्न्ड पीपल्स रहा करते थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 10 में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हर्षवर्धन एंड हर्षचारिता। जब हम गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, तो हमें कुछ बायोग्राफीज भी मिलती है किंग की। हर्षवर्धन उनमें से ही एक है। हर्षवर्धन ने करीब करीब 1400 ईयर्स अगो राज किया, और उनका जो पोइट था उनका नाम था अभनभत्ता, ठीक है, अभनभत्ता, उन्होंने उनके बायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा हर्षचरिता, और वो संस्कृत में लिखा गया, ठीक है, इससे भी हमें जो हर्षवर्धन थे उनकी भी जो जीनियोलॉजी है वो हमें देखने को मिलता है, और वो एंड होती है उनकी किंग बनने तक की। ठीक है, जो स्वान शॉन जंग है वो उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हर्षवर्धन के कोर्ट में, और उन्होंने काफ़ी डिटेल अकाउंट छोड़ा जो उन्होंने देखा वहाँ पर। ठीक है, हर्ष अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, जबकि उनको थ्रोन मिला जब उनके फादर और उनके एल्डर ब्रदर दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे, ठीक है, और उनको एक बंगाल के रूलर ने उनको मार दिया था, ठीक है, ड्यूरिंग अ वॉर और समथिंग। फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज का जो एरिया था उनका किंगडम भी उन्होंने खुद संभाला, और अपनी आर्मी को बंगाल के रूलर के खिलाफ उन्होंने कर दिया। ठीक है, ऑल्दो
वो ईस्ट में काफ़ी सक्सेसफुल हुए, उन्होंने मगध को भी कॉन्कर किया और बंगाल को भी, ठीक है, बट उनके अलावा वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन की तरफ जाने की कोशिश की, पर उन्होंने उस टाइम चालुक्य डायनेस्टी के एक काफ़ी वेल रूलर पुलकेशिन टू के थ्रू उनको रोक दिया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पल्लवास, चालुकास और पुलाक्षिन के प्रशस्ति। जो पल्लवा और जो चालुक्यास थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ड्यूरिंग द डायनेस्टीज, स्पेशली इन द साउथ इंडिया, ठीक है। पल्लवास का जो किंगडम था वो उनकी कैपिटल कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक फैली हुई थी, जबकि जो चालुक्यास थी वो सेंटर्ड थी रायचर दोआब बिटवीन द रिवर ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ऐहोले वो चालुक्य की कैपिटल थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी रिलीजियस सेंटर्स थे, काफ़ी नंबर ऑफ टेम्पल्स भी थे, ठीक है। जो पल्लवास और चालुक्यास थे उन्होंने वो एक दूसरे की लैंड के ऊपर मतलब रेड करते रहते थे, बेसिकली उनकी कैपिटल्स पे डायरेक्टली अटैक करके, ठीक है, क्योंकि जो कि काफ़ी प्रॉस्पेरस टाउन्स थे उनके कैपिटल्स। चालुक्य रूलर्स के जो काफ़ी जो बेस्ट नॉन रूलर है, बेस्ट नॉन मतलब सबसे बेस्ट जो थे, डैट वॉज पुलकेशिन टू, जिनकी प्रशस्ति में जो जिनकी प्रशस्ति कंपोज की थी उन्हीं के कोर्ट के एक पोइट ने जिनका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है। उनमें हमें उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी पता चलता है एंड उनकी जो फोर जनरेशन है फ्रॉम फादर टू सन वो भी डिस्कस किया गया। पुलकेशिन जो थे उनको किंगडम उनके अंकल के थ्रू मिला था, उनके फादर के थ्रू नहीं मिला था, ठीक है। रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने वीस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों में काफ़ी एक्सपेंडिशन किया और वो हर्षवर्धन पे चेक रखते थे, मतलब हर्षवर्धन के जो हर्षवर्धन थे उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान रखा करते थे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड है उनके पोइम में, क्योंकि हर्ष का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, तो वो पोइट बोलते हैं कि अपनी डिफीट के बाद हर्ष और हर्ष नहीं थे, ठीक है, मतलब हर्ष और खुश नहीं थे, हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष। पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पे भी अटैक किया, हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। पर जो चालुक्य विक्ट्री थी वो सिर्फ शॉर्ट लिव्ड ही थी। जो पल्लवाज और चालुक्यास थे उनको दोनों को न्यू रूलर्स मिले बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूता एंड चोला डायनेस्टी, जिनके बारे में हम चैप्टर 7th में पढ़ेंगे, ठीक है, चोला डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूता, ओके। अब इन किंग्स को मतलब ये जो भी किंगडम्स थे इनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया गया था। जो अर्लियर किंग्स थे उधर लैंड रेवेन्यू जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उन रूलर्स के लिए और एक बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। कुछ नए डेवलपमेंट्स भी किए गए थे, किंग्स ने अडॉप्ट किए थे स्पेशल स्टेप्स ताकि जो भी लोग ज़्यादा पावरफुल हैं उनको और पावरफुल किया जा सके और उन लोगों का सपोर्ट जीतना, जो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं उन लोगों का सपोर्ट जीतना वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द किंग्स, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, या फिर वो पॉलिटिकली या मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। अगर हम एग्जांपल पढ़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो बेसिकली हेरिडेटरी थी, हेरिडेटरी मतलब सन फिर उसके फादर फिर उसके बाद सन ही उस थ्रोन में बैठेगा, ठीक है। फिर जैसे जो पॉइंट है हरिश हरिशेना वॉज अ महादंड नायिका या फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर फादर, ठीक है, मतलब जो उनके फादर की पोस्ट थी उसके बाद वो उनका बेटा ही उस पोस्ट पर आके बैठेगा, ठीक है। कभी कभार एक ही पर्सन काफ़ी सारे ऑफिस हेल्ड करता था, जैसे कोई महादंड नायक, जैसे हरिशेना एक महादंड नायक थे, उनके साथ साथ वो कुमार अमात्या भी थे, मतलब एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर और एक संधि विग्रहिका, जिसका मतलब है जो लड़ाई और पीस के जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मेंस थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें नागर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ द सिटी इंक्लूडेड थे। जो सर्थवाहा थे या फिर लीडर्स ऑफ मर्चेंट कावंस एंड प्रथमक कुलेका, जिनको हम चीफ क्राफ्ट्समैन भी बोलते हैं, उसके अलावा द हेड ऑफ कैस्थास और स्क्राइब्स
भी हमें इन असेंबलीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो भी पॉलिसीज थी ये रीजनेबली अफेक्टिव थी, बट सूनर या लेटर ये जो भी चीज़ें थी ये पावरफुल मैन ही ग्रीव कर पाए और स्ट्रांग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ठीक है, अब न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब नई काइंड आर्मी के भी नई तरीके हमें देखने को मिलते हैं। जो अर्लियर रूलर्स थे उस अर्लियर रूलर्स की तरह किंग्स भी अच्छे से जो है अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवेलरी और फुट शोल्डर्स हुआ करते थे। उसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे जो सारे ट्रूप्स तैयार करके रखते थे ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तब वो लोग तैयार हो। उनको कोई रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, बल्कि उनके जगह उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती थी या फिर उनको लैंड की रेवेन्यू मिल जाया करती थी। और जो भी उनको मतलब रेवेन्यू मिलते थे ना, शोल्डर्स, जो भी शोल्डर और हॉर्स थे उनको मेंटेन करके रखने के लिए। इन लोगों को जो ये लोग थे, दीज मैन वो नोन एज समानताज, इनको समानताज का नाम दे दिया गया। जबकि जब भी रूलर्स वीक होते थे, समानताज इंडिपेंडेंट बनने का ट्राई करते रहते थे। ठीक है, अब सदर्न किंगडम में कैसी असेंबलीज हुआ करती थी? देखो, जिनका पल्लवास जिनके बारे में हमने पढ़ा, डेट मैंशनड अ नंबर ऑफ लॉक असेंबलीज, जिसमें कि एक सभा होती थी जिसमें ब्राह्मीन लैंड ओनर्स हुआ करते थे। ठीक है, कुछ असेंबली ऐसी होती थी जो कि सब कमेटीज़ के थ्रू चलती थी, जिसमें इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड और लोकल टेम्पल्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके अलावा और एक विलेज असेंबली थी जिसमें वो लैंड ओनर्स थे बट ब्राह्मण्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, और नागाराम एक ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स का, ठीक है, जो कि बेसिकली जो बड़े और अमीर लैंड ओनर और मर्चेंट्स हैं वही बेसिकली उन पर ध्यान रखा करते थे। और काफ़ी लोकल असेंबलीज भी कंटिन्यू की गई कंटिन्यू टू फंक्शन ऑफ द सेंचुरीज। अब किंगडम्स में जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, वो कैसे रहा करते थे? देखो, हमें ऑर्डिनरी पीपल का कैसा उनका रहन सहन था उनके भी कुछ ग्लिम्प्स मिलते रहते हैं फ्रॉम प्लेज और कुछ और अकाउंट्स। कालिदास जो अपनी मतलब उनका एक प्ले था एक किंग्स की कोर्ट को, जिसमें वो डिपिक्ट करते थे, तो एक इंटरेस्टिंग फीचर ये था इस प्ले का कि किंग और जो ब्राह्मण्स थे वो बेसिकली संस्कृत बोला करते थे, और जो वुमेन और मेंस थे जो ऑर्डिनरी थे अदर देन किंग एंड ब्राह्मण्स यूज्ड प्राकृत, वो प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे। उनकी एक बहुत फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम, जिसमें एक किंग है जिनका नाम है दुष्यंता और एक यंग वुमेन है जिनका नाम है शकुंतला, इनके बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है। ठीक है, इसमें एक पुअर फिशरमैन का भी इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, एक एक वो समरी देख सकते हैं इसमें। देखो, एक फिशरमैन को एक प्रीशियस रिंग मिलती है जो कि किंग ने शकुंतला को गिफ्ट की होती है, जो कि एक्सीडेंटली एक मछली खा जाती है, निगल जाती है। ठीक है, जब वो उस पैलेस पे जाता है उस फिश के साथ, तो जो गेट मैन है वो उसको एक्सक्यूज कर देता है ऑफ थेफ्ट, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर्स है वो और ज़्यादा रूड थे। बट जब जो किंग था, जब उनको पता चला, जब उसने रिंग देखी, तो वो काफ़ी फेमस हुए और उस फिशरमैन को रिवॉर्ड दिया। ठीक है, फिर जब पुलिस ऑफिसर और जो गेट मैन थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो रिवॉर्ड है उसका वो थोड़ा सा शेयर निकाल लेंगे, एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। ठीक है, इतना सा हमें एक वो दिया हुआ है। एक चाइनीज पिलग्रिम है फाजियान, जिनकी जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि काफ़ी लोगों को अनटचेबल ट्रीट किया जाता है हाई और माइटी के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सिटी की आउटस्कर्ट है वहाँ पर रहा करते थे, सिटी के अंदर नहीं, तो वो बोलते हैं कि अगर एक मैन एक टाउन या मार्केट प्लेस में एंटर करता है, वो एक लकड़ी के पीस पे स्ट्राइक कर जाता है इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, पीपल हियरिंग दिस नॉइज नो व्हाट इट मींस एंड अवॉइड टचिंग हिम और बर्स्टिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, और भाना भट्टा हमें काफ़ी विविड पिक्चर भी प्रोवाइड करती है कि किंग की आर्मी कैसे हुआ करती थी। ठीक है, so yes, that is it for the chapter and the video. I hope you liked it. Thank you very much.